हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय अमित खुराना सर में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम यहां पर डिफरेंट वीडियो स्टडी करते रहते हैं, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए, वो लेके आया हूं भाई ऑप्टिक्स यूनिट का एक टॉपिक है भाई बाय द नेम मिरर फॉर्मूला। तो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिरर फॉर्मूला। तो यूनिट है भाई अपनी कौन सी, ऑप्टिक्स, और यहाँ डिस्कस करने वाले हैं भाई हम मिरर फॉर्मूला के बारे में। क्लियर है भाई? चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइक और शेयर तो आप ऑलरेडी कर ही देते हो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई अबाउट मिरर फॉर्मूला के बारे में। ये मिरर फॉर्मूला है क्या, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ यहाँ पे जो हम है भाई डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है भाई? तो स्टार्ट करते हैं अबाउट के। तो पहले आपको मैं बता दूँ मिरर फॉर्मूला के बारे में। जो मिरर फॉर्मूला है भाई, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है भाई रिलेशन तीन क्वांटिटी के बीच में। किस कौन कौन सी भाई? एक आता है भाई इमेज डिस्टेंस, एक आता है भाई अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक आता है भाई फोकल लेंथ। ठीक है, आई थिंक आपको इन सबके बारे में पता होगा भाई, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं भाई सिंबल वी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई सिंबल यू से, फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई एफ से। अगर आपको मैं बता दूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो देख लीजिए। इन तीनों का रिलेशन होता है और तीनों को रिलेट करके हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है भाई, वो अपने पास क्या आता है भाई, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय बी प्लस वन बाय यू। तो अपने पास क्या आ जाता है भाई, ये मिरर फॉर्मूला अपने पास आ जाता है भाई। कैसे आता है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें बेसिक अबाउट द मिरर, कि मिरर अपने पास होता क्या है, कितने टाइप से होते हैं, कौन सा केस इसका हम डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं भाई। चलिए तो डिस्कस करते हैं भाई हम मिरर के बारे में। ठीक है, तो मिरर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। मिरर बच्चे अपने पास दो तरीके से आते हैं, एक आता है प्लेन, ठीक है, दिखने में इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन लगा के, ठीक है, एक साइड से पेंट कर देंगे, और पेंट के लिए लगभग सिल्वर कलर यूज करते हैं बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सेकंड आता है भाई, वो आता है अपने पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अगर मैं बात करता हूं स्फेरिकल मिरर की, तो ये भी अपने पास टू टाइप से आ जाते हैं भाई। एक आता है अपने पास कॉनकेव, एक आता है भाई अपने पास कॉनवेक्स। ठीक है, इनकी शेप बता दूं भाई मैं, जो कॉनकेव है वो अपने पास कुछ इस तरीके से मिलता है, और जो कॉनवेक्स है भाई अपने पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। इनकी भी पहचान होती है कि कॉनकेव कब बनेगा और कॉनवेक्स कब बनेगा। अगर जो पेंटिंग है वो क्या है, कर्व के आउटसाइड में आ रही है, तो उसे हम कॉनकेव बोलते हैं। अगर क्या इनसाइड में आ रही, तो वो अपने पास कॉनवेक्स बन जाएगा भाई। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो अब आते हैं अभी हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर। ये थोड़ा सा हमारा बेसिक था अभी, हमारे पास मिरर कितने टाइप्स हो सकता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है मिरर फॉर्मूला का भाई, इसको हम तीन तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो एक केस है जो आज उठाने वाला हूँ, तीनों बता दूंगा कि हमारे पास कौन कौन से केस रहते हैं भाई। तो चलिए डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट पेज हम ऐड कर लेते हैं अभी हमारे पास। चलिए तो अब आते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर भाई हमारे पास।
मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के लिए जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो देख लीजिए कौन सा है। हम लेके चलने वाले हैं भाई अबाउट कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर के लिए जो हम केस लेने वाले हैं भाई, इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है भाई, वो आता है किसके लिए भाई, रियल इमेज के लिए। बता दूं भाई, यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं जिसके लिए हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। फर्स्ट आता है भाई अपने पास रियल इमेज के लिए, और एक आता है भाई अपने पास वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, तो हम रियल इमेज के लिए करने वाले हैं। जो थर्ड केस बनता है बच्चे, वो किसके लिए आता है, कॉनवेक्स के लिए आता है, जहाँ पे वर्चुअल इमेज ही बनती है अपने पास। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए अपने पास दो केस आएंगे, एक आएगा रियल इमेज और एक आएगा भाई अपने पास वर्चुअल इमेज, बता देता हूँ। और जो सेकंड केस अपने पास आएगा भाई, वो किसके लिए आता है भाई, कॉनवेक्स मिरर के लिए। और आपको कॉन्वेक्स मिरर में बता दो भाई, हमारे पास यहाँ पे एक ही केस आएगा, किसके लिए आएगा भाई, वो वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए आएगा, वर्चुअल, क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल इमेज ही बनती है भाई। ठीक है, तो जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो अपने पास केस कौन सा है भाई, देख लीजिए। हम डिस्कस करने वाले हैं भाई ये वाला केस, कॉनकेव के लिए और रियल इमेज के लिए। तो स्टडी करते हैं अभी कैसे होता है हमारे पास, कैसे क्या कुछ है। चलिए भाई, तो डायग्राम बनाते हैं अभी हमारे पास। ये अपने पास क्या है भाई, कॉनकेव मिरर है। हमने क्या किया, एक स्फेरिकल पार्ट लिया और तुम इसको एक साइड से पेंट कर दिया, आउटसाइड से पेंट कर दिया, तो अपने पास ये क्या बन गया भाई, कॉनकेव मिरर बन गया। तो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स यूज़ करते हैं इसके अंदर, हमारे पास जो बेसिक टर्म्स आती हैं इसकी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। जो मिरर है इसके सेंटर पॉइंट को कहा जाता है भाई पोल। ठीक है, यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं फोकस पॉइंट, एक यूज़ करते हैं इसे प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए, तो अब आते हैं अभी हमारे पास इमेज कैसे बनती है, क्योंकि हमने तीन चीज़ों की बात की है, फोकल लेंथ की बात की है वहाँ पे, एक एफ़ की बात, फोकल लेंथ एफ, और एक हमने वी की बात की है इमेज डिस्टेंस की, और एक हमने बात की है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तीनों का रिलेशन ही हम यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है अभी ए और बी। ठीक है, अब देखिए, जब भी किसी कॉनकेव मिरर से रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के हमारे पास कुछ एक केस आते हैं, टोटल चार केस आते हैं, तो हम किन्हीं भी दो का यूज़ करके इमेज को बना सकते हैं भाई। क्लियर है भाई, आपको मैं एक बार पहले चारों केस बता देता हूँ कि हमारे पास होते कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर दो को यूज़ करके उसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे और फिर मिरर फॉर्मूला को डराइव भी कर देते हैं। चलिए, पहला केस क्या आता है बच्चे, अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस पॉइंट से पास करती है। क्लियर है, आपको एक केस समझ में आ गया होगा भाई। सेकंड केस क्या है, इसका उल्टा है भाई, अगर कोई भी रेस क्या होती है, फोकस में से पास करती है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये अपना क्या है भाई, सेकंड केस है, समझ में आ गया होगा। चलिए, आते हैं भाई थर्ड केस के ऊपर, ये दो केस समझ में आ गए भाई। देखिए, थर्ड केस में क्या होता है भाई, अगर कोई भी रेस सीधी क्या होती है, पोल से स्ट्राइक करती है, तो वो जितने एंगल पे क्या होती है, इंसिडेंस होती है, सेम एंगल पे क्या हो जाती है भाई, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर नहीं होगा, पहले वाले दो केस क्लियर करता हूँ, ये केस समझ में आ जाएगा भाई आपको। ठीक है, अपने पास क्या था भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ए बी, अगर कोई भी रेस क्या करती है भाई, डायरेक्ट पोल से स्ट्राइक करती है, देखिए यहाँ से कर रही है, तो जितने एंगल पे उसने क्या किया, इंसिडेंट किया है, वो सेम एंगल पे क्या कर जाएगी भाई, यहाँ से ये अपने पास फोकस पॉइंट था, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वैसे एक्चुअल में इक्वल होते हैं हमारे पास, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई।
ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट केस आता है, अगर कोई भी रेस कर रही है सी में से पास कर रही है तो अपने पास क्या करती है भाई, रिट्रेस करती है। क्या करती है भाई, रिट्रेस करती है, ठीक है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि हमने कौन कौन से केस यूज़ करने हैं मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, चलते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, इसे दोबारा एक चलिए, तो ये अपने पास क्या आती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है भाई। और यहाँ पे अपने पास क्या था भाई, फोकस पॉइंट था, और यहाँ पे अपने पास क्या था भाई, सी था, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, ठीक है भाई। तो आते हैं भाई, पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई इमेज। अपने पास क्या है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी, क्लियर है। चलिए इसमें जो फर्स्ट केस यूज करते हैं, जो लाइन आती है भाई पोल से स्ट्राइक करती है, और क्या होती है भाई उसके बाद जितने एंगल पे इंसिडेंस की है भाई सेम एंगल पे क्या होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है भाई, क्लियर है भाई। जितने एंगल पे क्या किया है वो इंसिडेंस किया है भाई, सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, क्लियर है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड केस तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेज को सी में से पास करते हैं, ठीक है। तो रेज क्या होती है, जितने एंगल पे इंसिडेंस करती है, ठीक है, तो वो अपने पास में करती है अभी रिट्रेस करती है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, क्लियर है भाई। ये अपने पास कौन सा पॉइंट, पोल है मिरर का सेंटर पॉइंट, क्लियर है अभी। और जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों रेज मीट कर जाएंगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी ए डैश और बी डैश, ठीक है जी। तो ये अपना डायग्राम है जिसको यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला के लिए भाई हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम दो सिमिलर ट्रायंगल लेने वाले हैं। देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होने वाली हैं, देखिए फ्रॉम फिगर, इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, एक ट्रायंगल तो बच्चे हमने यूज करनी है। सेकंड जो ट्रायंगल यूज करनी है हमने वो करनी है सेम इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है भाई। अब क्या होता है भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है भाई, क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं ए बी सी वाले की भाई, देखिए तो साइज बाय साइज, ठीक है, ट्रायंगल दिखा देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए बी सी, यहाँ बन रही है अभी, कुछ ये वाली बन रही है, दिखाई देगी होगी। सेकंड जो अपने पास बन रही है ए डैश बी डैश सी, कुछ यहाँ बन रही होगी ऐसी, क्लियर है भाई। ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, क्लियर है। इन दोनों को देखो, दोनों हमारे पास क्या बन रही है भाई, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो देखिए इनको भाई, तो क्या आ जाएगा भाई, ए बी वाई ए डैश बी डैश, हाइट बाय हाइट आ गया। तो बेस की बात करते अपने पास क्या आएगा भाई, ए सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी, क्लियर है। इसका बेस बाय इसका बेस, तो ये अपने पास एक का बेस, ये अपने पास दूसरे का बेस, क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए अब ट्रायंगल अपने पास कौन कौन सी आती हैं अभी देखते हैं, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी
चलिए बनाते हैं। अभी हमारे पास ए बी पी कौन सी बन रही है भाई? चलिए अपने पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है? ए बी पी। ये बन रही है अपने पास भाई ए बी पी। दूसरी बन रही है भाई अपने पास ए डैश बी डैश पी। देखिए ये वाले नीचे से, ये दो ट्रायंगल हम चूज करने वाले हैं भाई। दोनों अपने पास क्या अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला है। चले भाई यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा भाई, इसकी हाइट बाई इसकी हाइट, मतलब अपने पास क्या आएगा भाई ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल आएगा भाई? फर्स्ट वाले का बेस क्या है भाई? पी ए। दूसरे वाले का अपने पास क्या है? पी ए डैश। क्लियर है भाई? इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। चलिए अब दोनों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या है भाई? देखिए लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल की क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ गया भाई? पी ए बाय पी ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा भाई? ए सी बाय ए डैश सी। क्लियर है? इतना हमने कर लिया, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास अब देखते हैं कि किन किन टर्म्स की हमारे पास वैल्यू है वो अवेलेबल है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो फिगर में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। हमारे पास पी ए की वैल्यू है भाई ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। हमारे पास ओ डी है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, जिसे हम पी ए शो करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी माइनस की यू। माइनस यू क्यों लिया? यू तो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, माइनस लिया है साइन कन्वेंशन के लिए। बता दो भाई जब हम इसकी बात करते हैं मिरर्स की, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस आएंगे सभी नेगेटिव लेते हैं और राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव लेते हैं भाई। सेकेंड हम बात करते हैं भाई इमेज डिस्टेंस, जो अपने पास क्या है भाई पी ए डैश। ठीक है, ये अपने पास क्या लेंगे? माइनस का भी, क्योंकि ये भी अपने पास क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है भाई वो अवेलेबल है भाई पी सी। पी सी अपने पास क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे हम शो करेंगे किससे भाई? माइनस आर से। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू अवेलेबल है, तो इनकी वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं हमारी गिवन इक्वेशन के अंदर भाई। तो पुट कर देते हैं भाई हमारे पास। अब देखिए एक बात और देखिए, हमारे पास पी ए की वैल्यू है पी ए डैश, हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या करें ए डैश सी की वैल्यू भी नहीं है। तो फिगर से देखिए, अगर मैं देखूँ ए सी अपने पास क्या है भाई? ये ए सी है। ठीक है, अगर से हूँ इससे हम लिख सकते हैं भाई पी ए माइनस पी सी। ठीक है, पी ए माइनस पी सी, देखना है फिगर में। अगर मैं पी ए में से पी सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए सी बच जाएगा। सेम ए डैश सी की बात करते हैं, अगर मैं पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए डैश सी बच जाएगा। क्लियर है? अब देखो जिसे हमने कन्वर्ट किया है इस टर्म्स को, तो बाकी जितनी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हुई हैं हमारे पास सभी की वैल्यू अवेलेबल है, तो इन्हें पुट करने वाले हैं। तो देखिए भाई अपने पास, ठीक है, देखिए अपने पास क्या आएगा भाई? पी ए पी ए डैश। ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? पी ए माइनस पी सी, पी सी माइनस पी ए डैश। क्लियर है भाई? वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास पी ए की वैल्यू माइनस की यू, पी सी पी ए डैश की वैल्यू माइनस की बी, पी ए की वैल्यू माइनस का यू,
ec की वैल्यू माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा अपने पास, प्लस बन जाएगा। सेकंड, अपने पास pc की वैल्यू माइनस r, pa डैश की वैल्यू माइनस का भी है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा भाई। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई, क्लियर होगा। चलिए, तो यहाँ से माइनस हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए, तो अब करने वाले हैं भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट करेंगे हम v को इनसे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अपने पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद भाई, माइनस का वी यू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का आ जाएगा अपने पास वी आर भाई, क्लियर है। अब करने वाले हैं भाई, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यू को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, अपने पास क्या आ जाएगा, अभी देखा जाए तो किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस का यू आर आ जाएगा और प्लस का यू भी बन जाएगा, क्लियर है अभी इतनी बात। अब देखिए अपने पास एक यू वी लेफ्ट हैंड साइड में, एक यू वी राइट हैंड साइड में, तो इन्हें इकट्ठे कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है, यू वी वाले को एक साइड में, आर वाले को एक साइड में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे वी आर था लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से यू आर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा, प्लस का यू आर हो जाएगा भाई, क्लियर है। यहाँ पे अपने पास यू वी था, इसको उठा के हमारे पास क्या करेंगे भाई, यहाँ ले जाएंगे हमारे पास, और इसको उठा के यहाँ लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, जाके यू वी बन जाएगा, क्लियर है। तो अपने पास वी आर प्लस यू आर कितना आ गया, टू यू वी आ गया भाई। अभी हमारे पास फॉर्मूला नहीं आया है, आपको बताया था हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू होता है भाई। अभी हमारे पास फॉर्मूला नहीं आया है, फॉर्मूला अभी हमने ये करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसे यू वी आर से डिवाइड करते, क्या करेंगे, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय यू वी आर, तो यू वी आर से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तो करें भाई, वी आर बाय क्या बनेगा भाई, यू वी आर आ जाएगा। यहाँ अपने पास क्या है भाई, प्लस का निशान है, यू आर बाय यू वी आर आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा भाई, टू यू वी, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यू वी आर, ठीक है भाई। तो देखें भाई, यहाँ से वी आर से वी आर गायब हो जाएगा, ठीक है, यू आर से एक यू आ गया, एक यू गया, यू वी से यू वी गया, यहाँ अपने पास क्या बचा भाई, वन बाय यू, वन बाय वी, और यहाँ क्या बचा भाई, टू बाय आर। आपको बता दूं भाई, एक फॉर्मूला आता है अपने पास, r इज इक्वल टू एफ बाय टू, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है भाई अपने पास, f इज इक्वल टू r बाय टू, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो 1 बाय एफ अपने पास कितना आ जाएगा, 2 बाय r के इक्वल, तो 2 बाय r किसके इक्वल है भाई, 1 बाय f के, क्लियर है अभी। तो अपने पास क्या आ गया, डिज़ायर फॉर्मूला आ गया, कौन सा आ गया अभी देखा जाए तो, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, और यही अपने पास क्या था भाई, लास्ट में मिरर फॉर्मूला, ठीक है भाई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको इसके स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्टैक्ट दिया गया है, अगर जो भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहे स्टूडेंट वो कर सकता है। तो आज के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।